हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ग्लास पेंटिंग। तो पहले हम ग्लास पेंटिंग के लिए कोई भी डिज़ाइन का प्रिंट आउट लेंगे और एक OHP शीट को तो टेप के माध्यम से या स्टेपलर के माध्यम से फिक्स करेंगे। वो मैं करके दिखा रही हूँ। वो फिक्स करने के बाद हम लोग ब्लैक ग्लास लाइनर, उसके माध्यम से इसके पूरी जितनी भी डिजाइन है उसकी आउटलाइन करेंगे। अभी ये देखिए, पूरे बॉर्डर मैं एक एक करके सावधानी के साथ कंप्लीट कर रही हूँ। आउटलाइन करते समय ये ध्यान रखना होगा कि कहीं पे भी गैप ना हो। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी गैप रहेगा तो जब आप उसमें कलर भरोगे तो बाहर निकल सकता है और वो मिक्स हो जाएगा। तो आउटलाइन करते समय स्पेशली इसको ध्यान रखिए। तो मैं देखिए आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कैसे धीरे धीरे एक एक करके आउटलाइन मैंने किया। इसमें स्पेशली एक चीज़ और ध्यान रखना है, आप लोग आउटलाइन ऊपर से करते हुए नीचे आइएगा, सब गीला रहता है, कहीं पे डिस्टर्ब ना हो। पूरा आउटलाइन कंप्लीट जब हो जाएगा तो इसको तुरंत कलर नहीं भरते, 4-5 घंटे इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। 4-5 घंटे में ये पूरा आउटलाइन फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद ही इसमें हम लोग अपनी पसंद का ग्लास कलर भरेंगे। तो इसमें दो तरह से ग्लास कलर भर सकते हैं। एक क्या होता है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप उसमें शेड देते हैं। मैं बिना शेड का सिंपल सा केवल कलर भरना आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को शेडिंग ग्लास पेंटिंग सीखना है तो कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं शेडिंग ग्लास पेंटिंग करके दिखा दूंगी, उससे भी आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। सूख जाने के बाद 4-5 घंटे फिर हम उसमें अपनी पसंद का ग्लास कलर भरेंगे। अलग अलग मैं देखिए स्काई ब्लू का कलर ली हूँ ग्लास का, उससे मैं बटरफ्लाई के फेदर में भर रही हूँ। सावधानी के साथ भरिएगा। ये होने के बाद अलग अलग कलर अपनी पसंद का ले करके हम लोग अलग अलग डिजाइन में प्लेन भर सकते हैं, जिससे हम लोगों का डिजाइन अधिक से अधिक अट्रैक्टिव हो सके। आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा कलर भरने के बाद 4-5 घंटे के लिए इसको
सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद संभाल करके स्टेपलर या टेप हटाएंगे। वो निकालने के बाद OHP सीट डिजाइन से अलग कर लेंगे। OHP सीट को उल्टा करेंगे और फिर इसे मैंने कार्डबोर्ड तैयार किया है उसके ऊपर आप फिक्स करेंगे स्टेपलर के माध्यम से। आप चाहें तो इसके ऊपर बॉर्डर या फ्रेम कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को करके दिखाया।